लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हरिद्वार में 21 प्रत्याशियों ने इस बार चुनाव में पर्चा भरा है। इसके साथ ही इन प्रत्याशियों ने अपनी आय का पूरा ब्यौरा भी चुनाव आयोग को दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चुनाव में ताल ठोकने वाले कई प्रत्याशी करोड़पति हैं। भले ही चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हों, लेकिन अमेरी में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने तमाम दिग्गजों को पछाड़ दिया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले उत्तराखंड के खानपुर क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार इस बार हरिद्वार से चुनावी मैदान में हैं। अपने नामांकन पत्र के साथ जमा कराए एफिडेविट में उमेश कुमार ने बताया है कि वो और उनका परिवार कुल 72 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। उमेश कुमार करोड़ों की संपत्ति पर मालिकाना हक रखते हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब उनका टारगेट लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचना है। हरिद्वार से सबसे अमीर प्रत्याशी की संपत्ति के बारे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। उमेश कुमार के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 14,87,000 रुपए कैश, जबकि पत्नी के पास 14,89,000 रुपए कैश है। इसके अलावा उनके अलग अलग बैंक अकाउंट में करीब 36,65,000 रुपए जमा है। उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में 44,83,000 रुपए जमा है। उमेश के बेटे दक्ष के खाते में करीब 31,000 रुपए, जबकि देवांश के खाते में 9,17,000 रुपए जमा है। इतना ही नहीं, उमेश कुमार को महंगी गाड़ियों का भी शौक है। उनके पास रेंज रोवर, ऑडी, जैगुआर जैसी कारों का कलेक्शन है। वहीं ज्वेलरी की बात करें तो उमेश के पास करीब 12 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी है, जबकि इनकी पत्नी के पास 1,21,00,000 रुपए का सोने के गहने हैं। हलफनामे के मुताबिक उमेश कुमार और उनकी पत्नी के पास कई फ्लैट, घर और प्लॉट भी हैं। हरिद्वार प्रत्याशियों में अमीरी में दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हैं। वीरेंद्र और उनकी पत्नी के पास करीब 14 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अकील अहमद के पास भी 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। संपत्ति के मामले में पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पीछे नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी संपत्ति के मामले में चौथे नंबर पर हैं। त्रिवेंद्र रावत और उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में इस बार भी सभी दलों ने अपने धन कुबेरों पर दांव खेला है। हरिद्वार लोकसभा सीट से इस बार 21 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन प्रत्याशियों की है जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। चुनाव नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में सभी उम्मीदवारों की संपत्ति की जानकारी सामने आई है। इन उम्मीदवारों के पास बड़े घर, महंगी गाड़ियां, बैंकों में मोटी रकम समेत तमाम सुविधाएं हैं। संपत्ति के अलावा सभी उम्मीदवारों ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी ब्यौरा दिया है। अमीरी में नंबर 1 उमेश कुमार के खिलाफ 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।